हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ बिंदी। बिंदी टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ कि बिंदी का हमारे फोरहेड पे लगाने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों लगाते हैं और किस रंग की बिंदी लगानी चाहिए, आज मेरा टॉपिक है। आपको पता है हर साइज़ की बिंदी हमारे लुक को भी चेंज करता है। अगर हम छोटी बड़ी साइज अगर चेंज कर लेते हैं बिंदी की, तो हमारा लुक भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटफिट ही चेंज करो तो ही लुक चेंज होता है। अगर आप बिंदी डेली लगा रहे हो और बिंदी की साइज़ और साइज़ आपने चेंज कर दी है, तो बिंदी का लुक चेंज हो जाता है। आप ये देखिए, रेड कलर की बिंदी। आपको पता है रेड कलर की बिंदी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। लाल मैरून कलर की बिंदी हमारे सुहाग का प्रतीक है और ये बिंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप चाहें तो लाल रंग की बिंदी में कई साइज आती हैं, जो आप साइज लगाना चाहें आप वो साइज लगा सकते हैं। आप ये देखिए, मैंने ये थोड़ी सी छोटी साइज़ की बिंदी लगाई है, तो आप देखिए कितना लुक अलग हो गया, एकदम देखने में कितना डिफरेंट लुक दे रहा है। और मैं आपसे बताऊं, बिंदी हमारे 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। और यह बहुत हमारे सौभाग्य की एक निशानी मानी जाती है। कहा जाता है कि बिंदी लगाने से औरतों का सौभाग्य और सुहाग बना रहता है, तो बिंदी लगाना अच्छा होता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो इसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इस चीज़ को। सच्ची बताऊँ तो जैसे मैं आपको बिंदी के अलग अलग साइज़ लगा के दिखा रही हूँ, आप मेरा लुक भी देखिए कि मैंने किस टाइप से किस साइज़ को लगाया तो कैसा लुक दे रहा है बिंदी मेरा, इस पर भी ध्यान दीजिए। और साथ ही मैं आपको बिंदी के इम्पोर्टेंस भी बताते चलती हूँ। और तो मैं आपसे बताऊं, मतलब कहा जाता है कि जैसे पुरुष अपने फोरहेड पे माथे पे तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाना मतलब पुरुषों के लिए शुभ माना गया है, जेंट्स के लिए बहुत शुभ माना गया है। तो वैसे ही औरतों के सौभाग्य के लिए शुभ माना गया है कि औरतें बिंदी लगाएं, और सुहागिन औरतों को बिंदी लगाना इसलिए हमारे लिए मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में महत्व दिया गया है, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक होता है। लक्ष्मी जी को लाल श्रृंगार और लाल मतलब वस्त्र और बिंदी लक्ष्मी को, माता रानी को, इनको बहुत पसंद होती है। तो देखिए मैंने ये लंबी बिंदी लगाई है, लंबी बिंदी लगाने से कितना डिफरेंट लुक आ गया। तो प्लेन बिंदी में भी अगर आप साइज चेंज कर देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं, उससे डिफरेंट लुक हो जाता है। तो रही बात, अब हम बात कर रहे थे हम बिंदी पे, तो बिंदी का हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। पता है आपको एक बात और है, जिस तरह से औरतें तिलक, जेंट्स तिलक लगाते हैं, तो वैसे ही औरतों को ये बिंदी इंपॉर्टेंट बनाया गया है। वैसे तो कुंवारी लड़कियां भी बिंदियां लगाती हैं, लेकिन बिंदी लगा सकती हैं, लेकिन बात ये होती है कि शादीशुदा जो औरतें होती हैं उन्हें कुछ कलर लगाना उनके लिए शुभ माना गया है। जैसे मैं बताऊँ आपसे, लाल बिंदी, मैरून बिंदी, ऑरेंज बिंदी और हरी बिंदी लगाना औरतों के लिए सौभाग्य की निशानी मानी गई है। वैसे तो गुलाबी कलर की बिंदी भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सौभाग्य और सौभाग्य से माना गया है। और जो औरतें आध्यात्मिक हैं, मतलब जो पूजा पाठ और पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, उन्हें पीला और ऑरेंज कलर की बिंदी लगानी चाहिए। और सो ये तो बिंदी की इंपॉर्टेंस थी, जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों से बताया। बिंदी हमारे 16 श्रृंगार में से एक आता है, ये बात तो आप भी डेफिनेटली जानते होंगे। और सुहागिन औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिंदी लगाना, और मैं बिंदी लगाती हूँ, मैं डेली बिंदी लगाती हूँ, अपने ड्रेस से मैचिंग करते हुए भी लगाती हूँ, कलरफुल ड्रेस से मैचिंग करते हुए लाल, हरे, नीले, पीले, हर कलर के लगाती हूँ। और वैसे रेगुलर यूज़ में तो मोस्टली मैं रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, बट मैं आज आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप लुक चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो डे बना सकते हैं कि संडे को मैंने इस साइज़ की बिंदी लगाई और ट्यूजडे को मैंने दूसरी साइज़ की बिंदी लगा ली, वेडनेसडे को मैंने दूसरी साइज़ की बिंदी लगा ली, यानी सातों दिन की आप अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर की बिंदी अपनी चूज़ करके अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। और आपसे बताती हूँ, बिंदी की भी अपनी अपनी साइज़ होती है, बिंदी की भी साइज़ होती है। लंबी बिंदी में भी हमें 4, 5, 3, 2 साइज़ की लंबी बिंदी मिलती है प्लेन, और गोल बिंदी अगर आप राउंड शेप में अगर बिंदी लेना चाहते हैं तो उसमें भी हमें 2.5, 3, 3.5 and 4, 5, 6, 7 साइज़ की बिंदी आती है। जितने आप छोटे साइज़ की बिंदी लेंगे, नंबर उतने बिंदी के बड़े होते जाते हैं। और जैसे मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ तो 7.5 उसका नंबर है जो मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ। और ओवल शेप में भी बिंदी आती है, प्लेन बिंदी, जो जिसमें छोटी साइज़ 3, उससे थोड़ी सी बड़ी 4, फिर 5, फिर 6, 7 साइज़ की ओवल बिंदी भी आती है। और अगर आप लंबी प्लेन बिंदी लगाना चाहते हैं तो उसमें भी छोटी साइज़ की बिंदी लंबी प्लेन 2 नंबर की आती है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये प्लेन बिंदी लंबी थी। और स्क्वायर शेप में भी आता है, 3, 4, 5, 6, 7, बस स्क्वायर शेप में इतना डिफरेंस है कि जितने आप बड़े नंबर पे जाएंगे उतना आपको
बड़ी बिंदी आपको बड़ी मिलेगी। और ये तो साइज़ थी बिंदियाँ, जो मैं आपको ये बिंदी जो बिंदी मैंने आप लोग लगा लगा के दिखाई है कि किस किस बिंदी किस साइज़ से हमारा डिफरेंट लुक होता है, वो मैं आप लोगों से मैं दिखाई हूँ। और अगर ये वीडियो मेरे पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।